गुड मॉर्निंग आप सभी को। और अभी का जो हमारा टाइम चल रहा है डेली, वो है डेली डॉक्टर के पास राउंड लगाना, कभी मेरे लिए तो कभी इनको अपने लिए। तो ये जा रहे हैं अभी, घर में देख रहे होंगे इधर उधर कपड़े फैले हैं, वो इसलिए कि बाहर बहुत बारिश लगी हुई है और फिर से पहले वाला हाल हो गया है ना। भाई आज सैटरडे, तो सैटरडे और संडे मेरी छुट्टी है, तो मेरे दांत में प्रॉब्लम हो गई थी। एक दांत को निकालना पड़ेगा जो अकल चढ़ वाला होता है, बिकॉज उसमें थोड़ी दिक्कत है, खराब हो गया। सैटरडे संडे छुट्टी है तो एक काम करवा लेता हूँ, बट ये बारिश मान नहीं रही, और अगर बारिश नहीं मानेगी तो हम कैसे मानेंगे, हम तो वैसे ही बहुत जीती है। तो बारिश हो चाहे आंधी तूफान हो, इसलिए मैं अकेले जा रहा हूँ, किसी को लेके नहीं जा रहा। तो अंकित को, अंकित भी रेडी था आज मेरे साथ चलने के लिए, तो बारिश हो रही है। उसको पिक कर लो ना। नहीं पिक तो कर लूँ मैं, रेनकोट हमारे पास एक ही है ना, गीला हो जाएगा, या तो कैब बुक करके जाना पड़ेगा, है ना। कैब बुक करके ही चले जाते अंकित के पास, मैं कर लूंगा। अभी का जो टाइम है वो उसमें कुछ ना कुछ लगा हुआ ही रहता है। सही बात, क्या अभी समय सही नहीं है, हमारा समय तो खासकर बिल्कुल भी सही नहीं है। चलो मैं तो आज बच गया। कैसे? मैं ब्लॉग में बोल रहा हूँ, मैं तो आज बच गया। कैसे कैसे करने लगी मिनट में। एक्चुअली हुआ क्या कि मैं डॉक्टर से मिलने गया, डॉक्टर ने एक्सरे किया मेरा ना दांत का, और वो कहते हैं कि मंडे आ जाओ आपका दांत निकाल देते हैं। मैंने बोला, उससे पूछा, सजेशन लिया कि मैम मेरे को दांत से कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, है ना, ना मुझे वो दांत चुभ रहा है ना पेन हो रहा है, थोड़ा सा बस खराब हो गया वो, है ना, और थोड़ा सा टूट गया है, तो क्या उससे कुछ दिक्कत हो सकती है, कोई दूसरा दांत खराब हो जाएगा, वहां का मांस खराब हो जाए, ऐसा कुछ? तो कहती नहीं ऐसा कुछ नहीं होगा। अपने टाइम में सजेशन मांगने लगे और मेरे टाइम में चलो नाक लेके। तो मेरे टाइम में तो उसने सजेशन दिया, वो कहती हाँ ठीक है मत निकलो अगर तुम्हें दिक्कत नहीं है तो। मैंने कहा फिर ठीक है, तो मैं बच गया। वो तो कह रही थी मंडे को आ जाओ, छोटा सा सर्जरी होगा और निकाल देंगे। तो करवा लो। मैंने कहा नहीं, न न न न न हम नहीं अब जाएंगे मरने इसे। क्या मौसम, हर बार सुन रही हम खत्म हो गई। क्या मौसम आया है, फिर से पानी लग गया है। अरे चल अंजलि, फिर से बाहर वाला सीन हुआ। पर भाई सड़कों पे तो बहुत बुरा हाल है अंजलि, मैं बताऊं। तेरे ऑफिस के नहीं, अभी चलना, अभी तू रिकॉर्ड करना सीन, अभी ना बाइक हमारी नदी से गुजरती हुई जाएगी। अभी स्मार्ट भी हो जाएंगे तो आज पहाड़ भी दिख रहा है। सच में बहुत पानी लग गया सामने, और कल ही उधर का जुताई जो था। नदी बह रही है मेरे ऑफिस के सामने से। वैसे आज अब है कैसे भकुआ लग रहा है। 10 रुपए पीस टमाटर भैया। अच्छा और ये देखो सुबह से ये पानी निकल रहा है मेरे ऑफिस के साइड से। वहाँ पे तो गंगा गंगा भरा है, अभी भी हुआ पड़ा है मेरा तो। अभी ना टमाटर के मैं बना लेती, अब टमाटर लेने के लिए गए। कितना अच्छा तो उस दिन बनाया था मैंने बिना टमाटर का। क्या बनाया था तूने? पनीर का। कैसा लिया था ना? यस कद्दू का रायता और तड़का बना था ना उस दिन, भूल गए खाए सो।
अब चलो यार सच में यहाँ पे ना वो नैया लगाना पड़ेगा, इस पार से उस पार जाने, यहाँ से गंगा यमुना, बाप रे बाप, बताना कितना गलत है यहाँ पे वायर वगैरह। लाइट है घर पे कितनी? शीट, मैंने आईफोन का चार्जर छोड़ दिया ऑफिस में, मैं नहीं जा रहा, कल जाना ही है ऑफिस। तुम देख लो का क्या मतलब है? इनके आने के बाद ही फाइनल होगा। हाँ भी अभी बनने वाला है पनीर की सब्जी और मनी बनाएंगे रोटी आटा गूंद के। बहुत दिन बाद आता हूँ। हाँ और आपको पसीने भी आ चुके हैं, बताना बैग पड़ा हुआ है, सब कहेंगे बैग क्या कर रहा है किचन में, अंकित का है। मुझे पनीर ना फ्राई किया हुआ, फ्राई करके वो ग्रेवी में डाला हुआ बहुत अच्छा लगता है, चिम्मर चिम्मर सा। तो कर लो चिम्मर, सुंदर लग रहा पनीर देखने में। बस नजर ना लगे ना तो पेट खराब हो जाएगा। नजर किसका लगेगा? तेरे ही लगेगा। मुझे पता है। अच्छे से पूरे मन से खाना बनाने के लिए, नहीं तो अगर जरा सा भी नमक तेज हुआ मनी का रोना शुरू हो जाएगा। खाओ खाओ खाओ, ए हट, तू ही हमारे खाना सैलेड रोटी और इस साथ में तेज पत्ता है। कैसे बना अंजलि? कैसे बना अंजलि? जब तक तू सही जवाब नहीं देगी तब तक पूछूंगा। अच्छा बनाया। तू सोच कि क्या जवाब हो सकता है, कैसा कैसा बना अंजलि, कैसा बना अंजलि? पहले जैसा नहीं बना। कैसा बनाया अंजलि बताओ? नमक कम है। कैसा बनाया अंजलि? खराब बनाया यार। बड़ी बेवकूफ लड़की है। हाँ तेरे से तो आंसर दिया नहीं गया। अब मेरे से पूछ। नहीं क्वेश्चन पूछ। कैसा बनाया? कैसा बनाया पनीर की सब्जी? कैसी बनी है? तुमने बनाया अच्छी बनी होगी, बहुत अच्छी है। और जो हम रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं वो पता नहीं कैसा कब का होगा ये तो नहीं पता, बट लास्ट टाइम से हम काफ़ी टाइम रेस्टोरेंट में ही खा रहे थे ना, तो घर पे जो बनाया है बस दिल से प्यार से अच्छी तरह होशो आवास में किसी चीज़ को बनाया जाए, नमक वगैरह सही मात्रा में डाल करके, तो वो चीज़ अच्छी बनती है। और मैं तुमसे पूछ रहा था कैसा बनाया अंजलि, कैसा बनाया, तो तुम्हारा जवाब पता है क्या होना चाहिए था? क्यों तो आप बताओ ना ये कैसा बनाया है, क्योंकि बनाया मैंने है। बकवास बंद करो, ये बनाया मैंने है। बेवकूफ, बकवास बोलेगी तू मेरे को, पति को? अच्छा बोले, बोलिए। हाँ मैं बोलूंगी, अब फिर आप नौटंकी करने लगे। नौटंकी नहीं कर रहा मैं, बस हमारी बोल बाणी से हमारा पता चलता है कि हम कैसे हैं। हम जैसे भी हैं ठीक है, माथा के दर्द है, हम नहीं बदल सकते। तो ये तुम्हारा, जब मैं तेरे से पूछ रहा था ना कि कैसा बनाया कैसा बनाया, तो तुम्हें बोलना चाहिए था कि बनाया तो मैंने है, ऐसे कि आप बताओ कैसा बनाया। अच्छा बनाया, अच्छा बनाया।